तुम खाम का टेंशन ले रही हो ना, जो कुछ भी होगा वो इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मुझे कुछ भी होता हुआ सही नजर नहीं आ रहा है। आशना से तो उन्होंने कुछ पूछा ही नहीं, सारा इंटरेस्ट तो वो जवेरिया में ले रहे थे, जवेरिया से ही सब कुछ पूछ रहे थे। मुझसे भी गलती होगी ना, जवेरिया को उनके सामने लाना ही नहीं चाहिए था। ये क्या बात हुई? यानी अगर आयशा का रिश्ता आएगा तो सारी बच्चियों को छुपा लिया जाए? क्या बेवकूफों वाली बात कर रही हो तुम? तो और क्या करूं बताएं आप मुझे, आयशा की उम्र की बच्चियों के खानदान में सबकी शादी हो गई है। अरे हमारी बेटी का तो अभी तक रिश्ता भी तय नहीं हुआ है। फिक्र क्यों करती हो, इंशाल्लाह उसका भी बहुत अच्छा रिश्ता होगा। आप तो बस यही सोच कर बैठे रहिएगा, जब आयशा की उम्र निकल जाएगी ना फिर आपको पता लगेगा। ना आप मेरी बात समझ रहे, ना ही आपकी औलाद मेरी बात समझती है। मैंने आयशा से कितनी मर्तबा कहा है कि जब लड़के वाले देखने के लिए आए तो जरा तैयार होकर ढंग से उनके साथ बैठना, लेकिन नहीं भाई, उसने तो मेरी बात कभी मानी नहीं है। ऐसे अपने आप को लपेट के बैठी हुई थी जैसे लड़के वाले उसे खा जाएंगे। और वो जो लड़के की माँ थी ना, वो कह रही थी कि आपकी बेटी की उम्र मुझे ज्यादा लग रही है, अब आप ही मुझे बताएं। अब मैं क्या आयशा का बर्थ सर्टिफिकेट उनको दिखाऊं कि नहीं मेरी बेटी की ये उम्र नहीं है, ये उम्र है? तो मेरा ख्याल है ऐसा करो कि तुम उसका बर्थ सर्टिफिकेट ना फ्रेम करवा के अच्छे से ना ड्राइंग रूम की दीवार पे लगवा दो, ताकि रिश्ते वाले खुद ही देख लें। मुझे टेंशन हो रही है और आपको मजाक सूझ रहा है? आप और आपकी बेटी है मुझे कभी नहीं समझेंगी, पागल बना के रखा है आप लोगों ने मुझे। सुनिएगा, चाय का एक कप ले आइएगा। मेरी ना समझ बीवी ये नहीं जानती कि रब की हुजूर देर है अंधेर नहीं। इंशाल्लाह मेरी आयशा का रिश्ता बहुत अच्छे घर में होगा, इंशाल्लाह। कौन आ गया इस वक्त? कौन है? अस्सलाम वालेकुम सर, आइए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ सर, आइए सर, आइए ना अंदर प्लीज। आयशा, जॉब छोड़ने से पहले एक बार मुझसे जिक्र तो कर लेते। सर मैंने मुनासिब नहीं समझा, वैसे भी आपसे कोई भी बात करती तो असल सर को लगता कि मैं आपसे उनकी कंप्लेन करती रहती हूँ हमेशा। देखो, जॉब तुम्हें मैंने दी, अखलाकी तौर पे तुम्हारा ये फर्ज था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी शिकायत थी तो मुझसे तो जिक्र करते। तो आपकी मेहरबानी है शकील साहब, आप एक हमदर्द इंसान हैं, वरना आजकल कौन अपने एम्प्लॉयज की इतनी कद्र करता है। आसिफ साहब, माशाल्लाह आयशा बहुत दयानतदार और बासलाहियत वर्कर है, और मैं तो ऐसी वर्कर की बहुत कदर करता हूं। कल से आ रही हूं ना जॉब पे? सर मैं एक मिनट पे जा। जी शकील साहब, कल से मेरी बेटी ऑफिस आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, कल से आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक नई पोजीशन पे काम करेंगे। आयशा बेटा, शकील साहब के लिए खाने का इंतजाम करो। जी नहीं नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक जरूरी मीटिंग अटेंड करनी है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप पहली बार तशरीफ लाए और खाए पिए बगैर जाए?
हमारी बेटी माशाल्लाह से घरदारी का भी हुनर रखती है। इंशाल्लाह मैं जरूर हाजिरी दूंगा, आशा के हाथ का बना खाना जरूर खाएंगे। तो इजाजत दूंगा मैं, और अब ऑफिस आ रही है और आप मार्केटिंग की एक नई पोजीशन, एक नए ओहदे पे बैठ के काम करेंगी, सब पे हुक्म चलाएंगी, ठीक है? शाबाश, थैंक यू। आई बात प्लीज इधर आज। मेरा बच्चा, वैसे आप भी, मैं सोची थी कि आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपके बॉस खुद चल के हमारे घर आए। अगर शकील साहब यहाँ नहीं आते तो आप तो ऑफिस नहीं ज्वाइन करती ना। कभी भी नहीं, मैं तो फैसला भी कर लिया था कि मैं कोई दूसरी जॉब ढूंढूंगी। शकील सर खुद चलकर आ गए तो मुझे अपना इरादा बदलना पड़ा। शकील सर बहुत रहम दिल और नरम मिजाज, लेकिन असवत साहब उनके बिल्कुल ऑपोजिट। वैसे आप ही, आपको पता है आपकी बहुत सी अच्छी आदतों में से ये एक बड़ी अच्छी आदत है कि अगर कोई आप पर एहसान करता है ना, आप कभी नहीं भूलती। इनफैक्ट उसका बदले में एहसान ही करती हैं उसके साथ। कुरानी आयत है ना कि एहसान का बदला एहसान के सिवा क्या है। अरे कल मुझे राफिया की बर्थडे में जाना है, आप ही लाइट का कुछ पता नहीं है, चली गई तो फिर मैं क्या करूंगी। मैं जा रही हूँ कपड़े इस्त्री करने, आप मुझे अपना भी कोई सूट निकाल देना कल के लिए। लेकिन स्कार्फ भी देखना पड़ेगा ना उसके साथ मुझे। आपके ऊपर तो सारे स्कार्फ अच्छे लगते हैं, आप ही क्यों टेंशन ले रही हैं? आप भी सोचना शुरू कर देना इस बारे में। वाकई बहुत खुश नसीब हो, अल्लाह ताला ने तुम्हें एक बेटी भी दी और एक बेटा भी दिया। बेटियां तो माँ बाप के दिल का सुकून और आंखों की ठंडक होती है। दुआ तो मैंने भी बहुत की थी बेटी के लिए, मेरे तो दिल की हसरत दिल में ही रह गई। काश मेरी भी बेटी होती। खैर तुम लगाना किसी दिन चक्कर मेरे घर, मैं इंतजार करूंगी तुम्हारा। खुदा हाफिज़।